हेलो दोस्तों, नमस्ते। अभी बज रहा है दोपहर का 12 और दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने बसे पे। दोस्तों अभी बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ये देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा पानी लग गया है बसा पे यहाँ से। दोस्तों 3 दिन से पानी पड़ रहा है यहाँ पे। और दोस्तों वहाँ पे हम झरना जो रखे थे, खुट्टी वाला झरना, मकई का जो खुट्टी होता है ना, वही ढकने के लिए दोस्तों हम आए थे। पानी हम परसों ही लाए थे और दोस्तों बारिश अचानक पड़ने लगा तो पंडित हम नहीं ढक पाए। और दोस्तों अभी सोचे अभी इसको ढकेंगे, तो दोस्तों बासा पे आते आते फिर से बारिश शुरू हो गया क्या। और दोस्तों वही बारिश के कारण से आज फिर भी हम पंडित नहीं ढक पाए। और दोस्तों अभी भी बारिश थोड़ा बहुत दे ही रहा है। और दोस्तों सोच रहा हूँ बारिश जब छूटेगा तो पंडित ढकने जाएंगे क्या। चलिए दोस्तों बारिश छूटने का इंतज़ार करते हैं। अगर बारिश छूटेगा तो जाएंगे फिर हम पंडित ढकने के लिए। तब तक थोड़ा यहाँ मकान पर बैठ लेते हैं, आराम कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर क्या बैठेंगे, यहाँ पर पूरा चूरा है, देखिए देखिए चारों तरफ से पानी लगा है। और दोस्तों वहाँ पे कपड़ा है, वो भी दोस्तों कपड़ा भीग गया है बारिश के कारण से। चलिए दोस्तों बैठ के थोड़ा वेट कर लेते हैं, बारिश छूट जाएगा तो उसके बाद जाएँगे ढकने के लिए। दोस्तों अभी बारिश छूट गया है पूरा तरह से। और दोस्तों बर्जेस की मम्मी पंडित उठा लिया है। और दोस्तों अब जा रहा हूँ ढकने के लिए, नहीं दोस्तों फिर दोबारा बारिश शुरू हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। अभी बारिश छूट गया है, देखिए कितना प्यारा मौसम लग रहा है, ठंडा ठंडा। और दोस्तों चलते हैं अब ढकने के लिए, चल। देखिए दोस्तों यहाँ रास्ते से पूरा कादो कादो लग गया है, पूरा चलने में भी दिक्कत होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं। सो गाइस, यही वाला खुट्टी को अभी ढकना है पन्नी से। ये देखिए दोस्तों पूरा खुट्टी भीग गया है बारिश में, पूरा गिल गिल कर रहा है दोस्तों। इसमें से पानी निकलेगा, देखिए अभी देखिए दोस्तों कैसे पानी निकल रहा है। ये दोस्तों बारिश में पूरा फूल गया है खुट्टी दोस्तों। और दोस्तों इसको नहीं ढकेंगे ना पूरा खुट्टी, ये बर्बाद हो जाएगा। उतना मेहनत से खेत से इसको ढोए हैं दोस्तों, पूरा खुट्टी बर्बाद ही हो जाएगा। चलिए गाइस इसको ढकते हैं फटाफट के। तो फैली गाइस मैं पूरा अच्छा तरीका से देखिए पंडित को ढक दिया हूँ, इधर से घास उस पूरा ढक दिया हूँ ताकि आंधी बहने के बाद ये पंडित को ऊपर ना उड़ाए और दोस्तों ये झरना भेजे ना। देखिए पूरा बढ़िया से ढक दिया हूँ। देखिए दोस्तों क्या ही मस्त लग रहा है ढकने के बाद। अब कितना भी बारिश पड़ेगा, आंधी आएगा, तो मेरा झरना ये सेफ रहेगा। चलिए दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये बर्जेस की मम्मी बकरी का घास जमा करके अभी यही मकान पे सो रहा था, तो हम उधर से आए झरना जमा करके। ये दोस्तों पहले आ गया था पन्नी ढक के, अभी यहाँ पे सो रहा था, इसको हम उस जगह आए। और दोस्तों अभी बर्जेस की मम्मी घास लेके जाएगा घर पे, वहाँ पे गुड़िया भी रो रहा है, उसको दोस्तों खिलाना पिलाना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा। तो ठीक है जाओ घर, नुनू माँ कौन रहा है, उठ जल्दी जाओ घर। दोस्तों इसको घर भेज देते हैं, वहाँ पर हम सकिया मेरा बेटी जो है ना गुड़िया, वो कान रहा है। अब बर्जेस की मम्मी अभी जा रहा है घर, हम थोड़ा देर यहीं पे बैठे रहेंगे, उसके बाद हम भी जाएंगे घर। ठीक है जाओ। सो गाइस अभी शाम पड़ गया है, देखिए क्या ही मस्त मस्त लुक दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा हरा भरा। दोस्तों बारिश पड़ने के बाद मौसम बिल्कुल चेंज हो गया, देखिए क्या ही मस्त दिखाई दे रहा है। देखिए देखिए झींगा का पौधा पूरा इधर मस्त मस्त नज़ारा दिखाई दे रहा है। चलिए गाइस सबको बैक कैमरे से हम दिखाते हैं। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो,
चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय।